एक गांव में एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। एक बार एसआई बहादुर ट्रांसफर होकर वहां आया। सब पुलिस वाले उसको सल्यूट किए। अंदर बैठकर फाइल चेक कर रहे बहादुर को एक पुलिस टाई लाकर दे रहा था कि एकदम से सारा पुलिस स्टेशन भूकंप आ गया वैसे हिलने लगा। पुलिस के हाथ में जो कप में चाय थी वो बहादुर पर गिर गई। बहादुर तुरंत खड़े होकर भूकंप भूकंप सब बाहर भागे बाहर भागे यूं चिल्लाया। सॉरी सर, कुछ मत सोचे, चाय आप पर गिर गई, ये भूकंप नहीं है सर, ये आजकल अचानक से धरती हिलकर फिर मामूली हो जाता है सर, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। क्या भाई, पुलिस होकर ये क्यों हो रहा है पता नहीं कर पाए, ऐसे रोज होता है क्या? हाँ सर, रोज 11 बजे एक बार, फिर शाम को 5 बजे एक बार, ठीक 10 मिनट के लिए धरती हिलती है सर। वो सुनकर बहादुर सोच में पड़ गया। अगले दिन भी बहादुर देख रहा था कि तभी पूरा पुलिस स्टेशन पूरी तरह से हिलने लगा, फिर शाम को भी वैसे हुआ। वो बात बहादुर घर पर अपनी पत्नी से कह रहा था। ये सब बहादुर का बेटा विक्की ने सुना। उसे किसी तरह ये वजह जानने की इच्छा हुई। वो बहुत होशियार लड़का था। अगले दिन वो एक स्टेथोस्कोप लेकर पुलिस स्टेशन के पास आया। फिर पुलिस स्टेशन के बाहर उसे जमीन पर रखकर सुनने लगा। इतने में धरती के नीचे से आवाज आई और पूरा स्टेशन हिलने लगा। वो सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो शाम तक पूरे सबर के साथ वहीं था। स्टेथोस्कोप को उसी तरह भूमि पर ही रखकर सुन रहा था। फिर शाम को उसे फिर वही आवाज आई। ये भूकंप नहीं है, नीचे से कुछ जा रहा है, वो ट्रेन साउंड की तरह लग रहा है। सुबह वो आवाज दाएं तरफ जा रही थी, शाम को बाएं तरफ, यानी नीचे कुछ तो है जो इधर से उधर और उधर से इधर जा रही है। यूं सोचकर उस आवाज को फॉलो करते हुए जाने लगा। फिर वो गांव के बाहर एक गुफा के पास आया। धीरे से गुफा के अंदर गया। वहाँ एक ट्रेन थी। कुछ चोर ट्रेन में पैसे भर रहे थे। रे, कल सुबह ये सारे पैसे दूसरी तरफ हमारे गुफा में पहुँचाना होगा। अब यही हमारा आखिरी ट्रिप है। अब से हमारा ठिकाना उसी गुफा के पास है। अब पीने वाले पीकर अच्छे से सो जाओ। भाई, हमारे ट्रेन के वजह से ऊपर मौजूद सारे घर हिलने लगे। लोगों को शक हुआ तो खतरा हो सकता है। कुछ दिन रुक कर काम शुरू करते हैं भाई। मुंह बंद करो पागल, इतने ट्रिप्स कर चुके हैं, अब क्या शक होगा जो सिर्फ आखिरी ट्रिप में आएगा। मुंह बंद करके जो बोल रहा हूँ वो करो। वो सुनकर विक्की को पूरी बात समझ आ गई। रे, जल्दी जाने दो रे, डर क्या रहे हो, जाओ जाओ। इस तरह वो ट्रेन दूसरे गुफा के पास आई। वहाँ पुलिस वाले और विक्की खड़े हुए थे। उन्हें देखकर चोर दंग रह गए। रे, कितने दिनों बाद हाथ आए हो रे, तुम अंडरग्राउंड में ट्रेन चला रहे हो, ये बात मेरा बेटा बताया तो हमने यकीन नहीं किया। फिर वो तुम लोगों के पीकर सोने के बाद उस गुफा से धैर्य के साथ चलते हुए आकर यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन दिया रे, चलो पुलिस स्टेशन। इस तरह सारे चोरों को जेल में डाल दिया गया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट वाले विक्की को बहुमान देकर उसका सम्मान किए।